नमो नमः अद्यवयम् अस्य उत्तरारामचरितम् इत्यस्य ग्रंथस्य अष्टावक्रसंबादम् पठिष्यामः अष्टावक्रसंबादे किमस्ति एतद्सर्वं अस्मिनेव प्रसंगे ज्ञास्यामः आप लोगों ने पीछे की कक्षा में पढ़ा था प्रस्तावना के अंतर्गत नांदी का प्रवेश होता है मंगलाचरण होता है और एक विषय वस्तु का उपस्थापन किया जाता है आज हम त्रयोदश अध्याय के अंतर्गत अष्टावक्र संवाद को पढ़ेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत कहते हैं अस्मिन पाठे प्रस्तावनाया परम नाटकम आरभ्यते अत्र. प्रथमतः सीतां सांत्वयितुं रामः प्रविशति तस्मिन् एव काले महर्षिः अष्टावक्रः ऋष्यश्रृंगस्य आश्रमात तत्र आगच्छति स च आगत्त्य सीतां रामं च प्रति गुरुजनैः वशिष्ठादिभिः प्रदत्तान उपदेशान् श्रावयति राम आदेशानुसारमेव जीवन यापयिष्य प्रतिज्ञा कौती ततच लक्ष्मण आगत चित्रक अंकि चिंत्र द्रष्टुमस सीताया पवित्रता वर्णय सर्वं वाठ पाठस्य पठनेन ज्ञाया इस पाठ में जब जनक आदि सीता के बंधुजन बांधव अपने घर चले जाते हैं और सीता दुखी होती हैं उसके बाद का प्रसंग है राम सांत्वना देने के लिए अंतपुर में प्रवेश करते हैं और राम सीता के मध्य क्या वार्ता होती है मध्य में ही महर्षि अष्टावक्र का आगमन होता है महर्षि अष्टावक्र कुछ संदेश सुनाते हैं फिर लक्ष्मण का आगमन होता है ये सारा वृत्तांत हम इस नाटक के माध्यम से पढ़ेंगे मूल पाठ देखते हैं हम ततः प्रविशत्युपिष्टो राम सीता अर्थात मंच पर राम और सीता दो का दृश्य दिखाई पड़ता है और उपविष्ट बैठे हुए राम राम बोलते हैं क्या देवी वैदेहि विश्वसिहि ते हि न शक्नुवन्ति विहातुम् अस्मान् किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्र्यमपकर्षति सङ्कटाह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैर्गृहस्थता सीता जानामि आर्यपुत्र जानामि किन्तु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति रामः एवमेतत् एतेहि हि दयमर्मक्षिदः संसार भावा एभ्यो विभत्समानाः संत्यज्य सर्वान् कामान् रण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः सीता के प्रसंग में आपने एक भाषा और देख रहे होंगे जाना उत्त जानामि किंदु संदाव आर्यो बंधु जण विप ओ आती इसी का अनुवाद नीचे संस्कृत में दिया गया है आचार्यों की यह शैली है कि नाटकों में जो नारी पात्र होते हैं उनसे वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करवाते हैं इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज में जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाएं प्रचलन में थीं और संस्कृत जो अभिजात्य वर्ग कहते हैं वो पूर्ण रूपेण कहते थे लेकिन महिला पात्र दोनों भाषाओं का प्रयोग करती थी ग्यारहवीं शताब्दी के आचार्य कल्हण भी अपनी राजतरंगिणी ग्रंथ में कहते हैं राजतरंगिणी ग्रंथ में कहा गया य प्रत्यावासम विलसती वच प्राकृतम संस्कृत अर्थात संस्कृत और प्राकृत दोनों ही भाषाएं प्रत्यावासम विलसती प्रत्येक आवास में अर्थात प्रत्येक घर में विलसती खेलती हैं अटखेलिया करती हैं अस्तु इस मूल पाठ को पढ़ने के बाद हम आगे इसके अन्वय को देखेंगे अन्वय जो आप देख रहे हैं दृश्य पटल पर यह अन्वय व्याख्या के साथ में है अर्थात जो पद अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पद का दूसरा समानार्थक शब्द भी प्रयोग किया गया है एक बार पढ़कर देखते हैं ततः तस्मात् प्रविशति मंचे कुशति मंचे प्रवेशति अर्थात उसके बाद मंच में प्रवेश करते हैं उपविष्ट अर्थात आसीन बैठे हुए राम और सीता प्रवेश करते हैं तो बैठा हुआ व्यक्ति तो चलेगा नहीं प्रवेश क्रिया का सामान्यतः अर्थ होता है गमन क्रिया के साथ चलना लेकिन यह मंचन है नाटक मंचन हो रहा है तो वहाँ पर्दा हटता है तो राम और सीता दिखाई पड़ते हैं यह अभिप्राय है राम राम ने कहा देवी वै हे विदेह राजपुत्री विश्वास करो विश्वसी ही, तुम हम पर विश्वास करो अर्थात आश्वस्त हो जाओ क्या यतो ही तव गुरव जनक महोदया अस्मान माम मामच विहात परित्यक्तुम न शक्नुवन्ति समर्था न भवन्ति अर्थात तुम्हारे जो गुरुजन हैं गुरुजन का तात्पर्य यहाँ पर जो बड़े लोग हैं पिता इत्यादि तो यहाँ उनके पिता अयोध्या आए हुए हैं राजा जनक और वो छोड़ के वापस अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं उनके गमन का जो वियोग है वह माता सीता को कष्ट दे रहा है और उसी कष्ट को शांत करने के लिए राम ये बात कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरुजन हैं वो हमें और तुम्हें छोड़ नहीं सकते छोड़कर कहीं जा नहीं सकते इसके लिए वो समर्थ ही नहीं हैं फिर भी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण छोड़कर जाना पड़ता है कोई किसी के घर पर जाकर पूरे समय नहीं रह सकता उनका राज्य है उन्हें वापस तो जाना ही है और उसमें हेतु राम क्या देते हैं वो बात श्लोक में कही गई है क्या किंतु अर्थ परंतु अनुष्ठान नित्यत्व जो हमारी दिनचर्या है नित्य नैमित्तिक कर्म है उन नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना तो स्वाभाविक है तेसाम नित्य नैमित्तिक कर्मणाम नियमितत्व स्वातंत्र्यम अपकर्षति, अर्थात स्वच्छंदता को वो समाप्त करते हैं हम अपने नित्य कर्म से ऐसे बंधे होते हैं सुबह इस काम को करना है दोपहर यह काम करना है शाम को यह कार्य करना इस तरह अलग अलग कार्यों में बंधे होते हैं और वो कार्य हमारी स्वच्छंदता को बाधित करते हैं हमारी स्वच्छंदता उन कार्यों की वजह से ही रुक जाती है यही कहते हैं कि यद्यपि राजा जनक छोड़ कर नहीं जाना चाहते फिर भी उनकी जो क्रिया शैली है जो कर्मादि हैं वो उन्हें रोकते हैं क्यों य तो ही आहिताग्नि नाम आहिताग्नि अर्थ क्या है आहिता स्थापिता अग्नय यही तेसाम आहिताग्नि नाम जिन्होंने अग्नि का स्थापन किया है प्राचीन परंपरा में अग्निहोत्री लोग होते थे अब आप अग्निहोत्री का तात्पर्य क्या है आपकी जिज्ञासा होगी तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जिन्होंने अग्नि का स्थापन किया है और वर्षों वर्षों पर्यंत अग्नि उनके घर की कभी समाप्त ही नहीं होती थी इससे अग्नि उपासना का सिद्धांत दृष्टिगत होता है एक संकेत मिलता है कि हमारे पूर्वज अग्नि के उपासक थे तो आहिताग्नि नाम जो अग्नि की स्थापना करके घर में रखे हैं ऐसे लोग अग्निहोत्री कहे जाते थे आज के समय में भी आप कई लोगों के नाम के बाद अग्निहोत्री सुनेंगे वो टाइटल हो गई है आज एक उपनाम हो गया है लेकिन किसी समय वह उनका कर्म हुआ करता था उस कर्म के द्वारा उन्हें अग्निहोत्री यह उपाधि दी गई थी तो ऐसे आहिताग्नि कौन हैं राजा जनक तो जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं यथा समय किए जाते हैं प्रातः सूर्योदय से पूर्व हवन करना है अग्निहोत्र करना है सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करना है और उसके लिए तो घर में उपस्थित होना आवश्यक होगा तो ये जो कर्म हैं ये कर्म वहाँ तप समय में उपस्थित होने हेतु बाध्य करते हैं इसलिए राजा जनक चले गए हैं यही कह रहे हैं कि अग्निहोत्रिणाम गृहस्थता उनका जो गारहस्थ्य धर्म है गारहस्थ्य कर्म है वह निरंतर चलता रहे नहीं होने पर प्रत्यवाय लगता है अगर वह यथा समय नहीं किया जाए तो प्रत्यवाय का तात्पर्य क्या है का जो आचरण है विहित जो कर्म है उनको नहीं करने में पातक लगता है पाप लगता है उससे मन दुखी होता है कष्ट होता है एकदर्श राजा जनक का जाना आपके जो पिता हैं उन पूज्य पिता का जाना आवश्यक था अतः हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है ये बात राम सीता को समझाते हैं सीता क्या कहती हैं आर्य पुत्र जाना मी अरे स्वामी मैं ये बात जानती हूँ जाना अर्थात वेदमी मैं समझती हूँ किंतु बुधजन विप्रयोगा पितृजनादिविर संतापकारिण बती जो बंधुओं का विप्रयोग है अपने पिता भाई माता स्वसा इनका जो विप्रयोग है इनका जो विक्षोभ है इनसे दूर होना दुख देने वाला होता है खेदजनक होता है कष्टकारी होता है राम कहते हैं एवं त्वया या यदुक्तम तत् सत्यमेव तुमने जो कहा यह तो सत्य है संसार भावा हृदय मर्मक्षिद अर्थात संसार के जो भाव प्रेम हैं लोकधर्म है ये लोकधर्म हृदय मर्मक्षिद हृदय के जो मर्मस्थान कोमल स्थान हैं उनको खेदन करने वाले होते हैं जब हमारा अतिशय प्रेम होता है जिनके प्रति उनसे वियोग हो या हमारा जिसके प्रति अनुराग है उस वस्तु का भी वियोग होता है तो वह हृदय को कष्ट देने वाला होता है कष्टकारी होता है ऐसे ही संसार के जो भाव हैं लोगों के प्रति जो प्रेम हैं वो हृदय कहें या मर्मस्थल यहाँ पे प्रयोग किया गया वो मर्मस्थल हृदय ही है जो हमें सुख दुख आदि की अनुभूति के लिए कारण होता है तो संसार के भाव कभी हर्ष देते हैं कभी विषाद देते हैं भावेभ्यः संसार भाव्य विभत्स जुगुप्समना विरक्ता मनीषिण आत्मदर्शिन सर्वान् काम संत्य अर्ये वने विश्राम शांति प्राप्व तो इसी दुख से बचने के लिए सुख दुखादि से परे होने के लिए जो ऋषि महात्मा होते हैं विरक्त मनीषी होते हैं वो आत्मदर्शी हो जाते हैं संसार के मोह बंधन से परे होने के लिए ही या ऐसे कहें संसार की सभी कामनाएं जो विषय वस्तुएं हैं उनका त्याग करके उनसे परे हो करके अरण्य विश्राम यंती वन में निवास करते हैं वन में रहते हैं किस लिए तो संसार के सुख दुख आदि से परे होने के लिए इन पदों में हम कुछ व्याकरण की दृष्टि से पदों को देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा इसमें एक पद विहातुम आता है विहातुम तुमुन प्रत्यांत यह शब्द है वि उपसर्ग पूर्वक ओहाक धातु है ओहांग त्यागे तो हा धातु त्याग करने अर्थ में है तो विहातुम अर्थात त्याग करके त्याग करने के लिए जैसे भोक्तुम, भोजन के लिए पठितुम पढ़ने के लिए विहातुम, अर्थात त्यागने के लिए ऐसे ही अनुष्ठानम अनुपूर्वक स्था धातु से जब ल्युठ प्रत्यय करेंगे तो अनुष्ठान पद बनता है जिसका अर्थ होगा किसी कार्य की नियमित करने का वह स्वभाव ऐसे ही प्रत्यवाय प्रति उपसर्ग पूर्वक और अव उपसर्ग पूर्वक ये दो उपसर्ग हैं यहाँ पे इन दो उपसर्ग पूर्वक इण धातु से जब घई प्रत्यय करते हैं तो प्रत्यवाय शब्द निष्पन्न होता है प्रत्यवाय का अर्थ होता है कि विहित कार्य को यदि नहीं किया जाए तो उस विहित कार्य के ना करने पर लगने वाला जो प्रायश्चित है जो पातक है वह प्रत्यवाय कहा जाता है आहिताग्नि नाम आहिताग्नि नाम तो पढ़ते समय ही हम लोगों ने देखा था कि आहिता ही यही तेशाम नाम। जिन्होंने अग्नि की स्थापना की है ऐसे लोग बहुव्रीही समास है यहाँ पे विभत्समान विभत्समान पद का अर्थ भयंकर होता है तो विभत्समान इी भय धातु है या बध धातु से बनेगा यह शब्द सन प्रत्यय करने पर विभत्स पद होगा और विभत्स सानच प्रत्यय करने पर विभत्समान यह पुलिंग में रूप बनेगा और बहुवचन होगा विभत्स मनाहा जो अलग अलग रसों की अनुभूति होती, होती है हमें कभी भय होता है कभी स्नेह होता है जुगुप्सा क्रोध इत्यादि उसी में से यह भी अन्यतम है बंधुजन विप्रयोगाह यह पद है पूर्वक और प्राउपसर्ग पूर्वक विप्रयोग पद है इन दो उपसर्गों से संयुक्त जो युज धातु है उससे घं प्रत्यय करने पर विप्रयोग शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ वियोग कह सकते हैं तो बंधुजनाम विप्रयोग बंधु जन विप्रयोग जनों का वियोग यह इसका अर्थ होगा पदार्थ होगा यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है ऐसा समझना चाहिए आगे हम पुनः मूल पाठ देखेंगे हमारे इस अध्ययन के क्रम में तीन स्तर हम देख रहे हैं एक मूल पाठ है मूल पाठ के बाद उस पाठ मूल पाठ के अर्थ को समझने का जो अन्वय है भावार्थ है और उसके बाद उसके व्याकरण अंश को और कुछ साहित्य के अंश को हम पढ़ रहे हैं मूल पाठ है इतनी बात होती है उसके बाद कंचुकी का प्रवेश होता है प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके कंचुकी रामभद्र इत्यर्थोक्ते साशंकम महाराज रास्मित आर्य ननु रामभद्र इत्येवमाम् प्रत्युपचारः शोभते तात परिजनस्य तद्यथा अध्यस्तम् अभिधीयताम् कन्जुकी देवः ऋष्यश्रिंगास्रमाद् अष्टावक्रह सम्प्राप्तः सीता अज्ज तदो किं विलंबी अदि आर्य ततः किं विलंब्यते प्रवेश कंचुकी निक्रांत इस पढ़े हुए पद के अर्थ को ऐसे हम समझेंगे प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके प्रविश्य प्रवेश करके, प्रविश्य करके। पूर्वक विष धातु से अक्वा प्रत्यय है उसको लप होकर प्रविश्य बनता है कंचुकी कंचुकी कहता है रामभद्र शोभन राम अब यहाँ पर राम भद्र यह संकेत कंचुकी ने किया और तब तक कंचुकी के मन में आया कि अरे ये तो राजा होने वाले हैं अब राम छोटे राम नहीं रहे क्योंकि कंचुकी तो वृद्ध व्यक्ति है उसके सामने राम का जन्म हुआ धीरे धीरे खेलते हुए राम बड़े हुए राम की जो पूरी अवस्था है तो वह कंचुकी के सामने हो रही थी तो राम के विषय में जो राम भद्र ऐसा सीधा सा उच्चारण था बोलने के बाद उसको मन में एक असंतोष हुआ कि अरे ये तो बड़े हो गए हैं अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये राजा होने वाले हैं इसलिए तुरंत अपनी बात को सुधारते हुए कंचुकी कहता है महाराज प्रभो इत्यर्थोक्ते सा सभयम ऐसा आधा वह बोलता है इत्यर्धोक्ते साकम सभयम अर्थात मन में थोड़ा सा भय हुआ और एक मन में संदेह हुआ कि राम तो राजा होने वाले हैं इनको अब रामभद्र ऐसा नहीं कहना है क्या कहना है तो कहा महाराज प्रभो अरे महाराज राम समझ गए तो सस्मितम थोड़ा सा हंसते हुए ईसद हास्य सहितम सस्मित का अर्थ हल्का सा मुख में मुस्कुराहट लेते हुए राम कहते हैं आर्य आर्यतातपरिजन से पितृचरण सेवक रामभद्रतमाचंद्रपतिपचार राम शोभते तस्मा हेतो तो यथाभ्यस्त अभीयता आपके व्यवहार में जैसा बना हुआ है आप वैसा ही बोलिए रामचंद्र यही आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा लगता है आप वैसा ही बोलिए क्यों कहा तात परिजन से पितृचरण सेवक से आप हमारे पिता के समान हैं राम अपने से जो उनके साथ काम करने वाले हैं राजमहल में जो वृत्ति वर्ग है किसी से ऐसा व्यवहार नहीं करते कि वो वृत्ति वर्ग से हैं राम कह रहे हैं कि पितृचरण सेवक से आप हमारे पिता तुल्य हैं पिता की सेवा करने वाले हैं आप तात परिजन हैं इसलिए आप हमें महाराज मत कहिए आपका जो राम कहना व्यवहार है वह व्यवहार ही अच्छा लगता है एक तदर्थम अभ्यासानुरूपम तदेव उच्चताम आपके आदत में जो है व्यवहार में जो है आप वही बोलिए कंचुकी कहता है देव प्रभो ये संबोधन है कि हे प्रभु ऋष्य श्रृंग आश्रमात् ऋष्य श्रृंग के आश्रम से अष्टावक्र नामक कोई महात्मा सम्प्राप्त आए हुए हैं सीता कहती हैं आर्य तस्मात किमर्थम विलंब्यते आए हैं तो विलंब क्या है आप शीघ्र ही ले आइए राम यही बात आगे कहते हैं त्वरितम अतिशीघ्र प्रवेश शीघ्र अति उनका प्रवेश कराइए उनको बाहर रुकने की आवश्यकता नहीं है विलंब मत कीजिए कंचुकी निष्क्रांत ऐसा कह के कंचुकी चला जाता है इस अनुच्छेद के हम कुछ व्याकरण के पदों को देख लेते हैं तात परिजनस्य परिजनः परिजन परिजनः इसमें षठी तत्पुरुष समास है और उसका षठी व्यक्ति का ही रूप है तात से तात पिता को कहते हैं और पिता के परिजन तो पिता के परिजन यह इसका अर्थ होगा ऋष्य ऋष्य ऋष्यशृंगाश्रमाद्यशंगा आश्रम ऋष्यशृगाश्रम तस्मात् श्रृंगाश्रमात् यहाँ भी ष्ठित पुरुष ही समास है श्रृंग ऋषि के आश्रम से यह अर्थ होता है ये जो संकेत था ये संकेत कंचुकी ने किया था कंचुकी किसे कहते हैं पीछे की कक्षा में भी हमने पढ़ा था एक बार दोबारा देख लेते हैं अंतपुरचरो वृद्धो विप्रो रूपगुणान्वितः सर्वकार्या कुशल कंचुकी विधीयते अर्थात अंतपुर चरो वृद्धो ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो अंतपुर में संचरण करने में समर्थ है घर के अंदर जाने में उसे रोक टोक नहीं है विप्रह ज्ञानवान है वह रूप गुणान्वित और रूपवान भी है गुणों से भी अन्वित है अर्थात गुणवान भी है सद असद विवेक करने में उसकी बुद्धि समर्थ है और सबसे बड़ी बात सर्व कार्यार्थ कुशलह ऑलराउंडर है वह सभी कार्यों को करने में निपुण जो होता है उसे कंचुकी कहा जाता है ऐसा व्यक्ति राजमहल में नियुक्त होता था जो राजा के परामर्श के लिए सर्वत्र गमनशील होता था सत्य को सत्य असत्य को असत्य यथारूप राज्य की गतिविधियों से राजा का परिचय कराता रहता था स्मित का लक्षण आ, हम देख लेते हैं राम ईसत स्मित के लिए कहा गया था पीछे के परिच्छेद जो हम पढ़ रहे थे उसमें ईसद विकास नयनम स्मितम स्पंदिताधरम यह लक्षण है कि ईसद विकास नयनम आँख थोड़ी सी खुली हुई और स्पंदिताधरम जो अधर भाग है होठ जो हैं वो हल्के से स्पंदित होते हैं हल्का सा हिलता है दांत नहीं दिखते ऐसा जो हास है ऐसा जो हंसना है वह स्मित कहा जाता है और राम ऐसे ही स्मित हो के कंचुकी से कह रहे थे कि आप हमें राम कहिए महाराज मत कहिए अस्तु आज के कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे शेष भाग को द्वितीय भाग में पढ़ेंगे धन्यवाद Uh...